हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सफवान क्लासेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन। इससे पहले कल हमने एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया था, उसमें हमने हिस्ट्री ऑफ पाइथन के बारे में बात की थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसकी लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप उस पर क्लिक करके उस लेक्चर को ज़रूर देख लें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। इंट्रोडक्शन पाइथन में हमने आपको बताया था कि जो पाइथन लैंग्वेज है उसे इन्वेंट किया था ग्यूडो वैन रॉसम ने। ये एक नीदरलैंड के साइंटिस्ट है और ये सेंट्रम विस्कंडे एंड इन्फॉर्मेटिका में एक रिसर्च स्टूडेंट थे। वहाँ पर ये एबीसी लैंग्वेज पे काम कर रहे थे। एबीसी लैंग्वेज पर काम करते हुए उन्होंने इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बारे में बहुत अच्छा इन्हें नॉलेज हो गया था, जिससे एबीसी लैंग्वेज में जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी उस समय डिसएडवांटेज थे, उसको दूर करके इन्होंने एक नई लैंग्वेज बनाई और उस लैंग्वेज का नाम था पाइथन। पाइथन इज ए जनरल पर्पज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब पाइथन है क्या? पाइथन एक जनरल पर्पज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल कहते किसे? इससे पहले हाई लेवल लैंग्वेज से पहले दो लैंग्वेज और आई थी, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती थी जिसमें सारे इंस्ट्रक्शन जीरो और वन के फॉर्मेट में लिखे जाते थे। असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक कोड लिखे जाते थे। फिर आई सी लैंग्वेज, C++, जिसमें सारा इंस्ट्रक्शन हम क्या करते थे, हाई लेवल में लिखते थे, यानी इंग्लिश में लिखते थे, उसे कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। स्टूडेंट, अगर आप लोग कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इससे पहले कोई प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी है, जैसे C++, जावा कुछ भी नहीं पढ़ी है, तो भी आपको पाइथन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पाइथन दुनिया की सबसे आसान लैंग्वेज है। अगर एक थर्ड या फोर्थ स्टूडेंट के बच्चे को भी पढ़ाया जाए तो उसे भी समझ में आ जाएगी पाइथन इतनी इजी लैंग्वेज है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन जो आपको देख रहे हैं, अगर आपने पहले से कोई लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको समझ में आएगा, नहीं अगर आपने पढ़ी है तो भी आपको इजीली समझ में आएगा, क्योंकि फिर हम आपको डिटेल में आगे लेक्चर में बताते जाएंगे कि हर एक स्टेप है क्या। दूसरा पॉइंट देखते हैं, सी जावा स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? सी में कोई भी प्रोग्राम हम करते थे तो सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, इंट, यक्स और सेमी कॉलन ऐसे डिक्लेयर करते थे। इसके बाद हम यूज करते थे x इक्वल टू सेमी कॉलन, जो भी हमें करना है। या फिर जावा लैंग्वेज की बात करें या हम C++ की बात करें, सब में ऐसे ही करते थे। लेकिन पाइथन क्या है? एक डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी इसमें हमें कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना है, इंट, फ्लोट कुछ भी नहीं करना। हमने लिखा a इक्वल 10 और सेमी कॉलन भी इसमें नहीं लगता है। बाकी जो भी आप सी पढ़ें या सी प्लस पढ़ें या जावा पढ़ें, आपने उसमें सेमी कॉलन का यूज किया, लेकिन पाइथन में सेमी कॉलन का कोई यूज नहीं है। सी में डाटा टाइप होते थे, इंट, अगर आपको कोई फ्लोट वैल्यू रखनी है, जैसे हमने बात की फ्लोट ए इक्वल 1.2, अगर आपको दशमलव वाली वैल्यू रखनी है तो आपको फ्लोट टाइप डेटा लेना पड़ेगा। अगर आपको कैरेक्टर रखना है तो आपको कैर टाइप वैल्यू लेनी पड़ेगी, कैर बी इक्वल सिंगल कोट में ए सेमी कॉलन। लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ भी नहीं है, पाइथन में ऐसा कुछ भी नहीं है। पाइथन में आप क्या करेंगे, पाइथन में आप जो भी वैल्यू आपको डिक्लेयर करनी है, अगर आपने लिखा ए इक्वल 10 तो ये ए इंटीजर हो गया, अगर आपने लिखा ए इक्वल 10.5 तो ए ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, फ्लोट टाइप वैल्यू बन जाएगी। तो पाइथन क्या है, एक डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसी को कहते हैं डायनेमिकली टाइप, यानी जो भी वेरिएबल आप असाइन करेंगे उसमें जैसी भी वैल्यू देंगे वो लैंग्वेज अपने आप उसमें चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, फंक्शनल जो पाइथन है उसने जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट लिया वो किस किस लैंग्वेज से लिया है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग फ्रॉम सी, आपको पता है सी में सारा काम हम फंक्शन बना के करते थे। अगर हमें एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखना है तो उसमें हम लिखते थे, हम एक फंक्शन बना लेते थे, ऐसे बनाते थे हम वाइड फैक्ट और इसके आगे लगा देते थे पैरेंथेसिस, ऐसे हम फंक्शन बनाते थे, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो ये जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है ये भी है हमारे पाइथन के अंदर, आप इसमें भी फंक्शन बनाते हैं, लेकिन इसमें कर्ली ब्रेसेस का कॉन्सेप्ट नहीं है। उप फ्रॉम सी प्लस प्लस, उप क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड
प्रोग्रामिंग। कोई भी लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ कॉन्सेप्ट हैं जैसे एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, इन सारे फीचर्स को फॉलो करती है, वो कहलाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो हमारी पाइथन लैंग्वेज है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसने इस फीचर्स को कहाँ से लिया है, सी प्लस प्लस से। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फीचर फ्रॉम पर्ल एंड सेल स्क्रिप्ट, इसने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फीचर्स लिया है पर्ल और सेल स्क्रिप्ट से। अब पर्ल एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, अगर आपने लिनक्स पे काम किया होगा या यूनिक्स पे काम किया होगा तो उसमें हम स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे अगर सिंपल आप HTML भी पढ़ते होंगे तो जावा स्क्रिप्ट वैलिडेशन के लिए एक लैंग्वेज यूज होती है। तो स्क्रिप्टिंग की भी फीचर्स हम पाइथन में कर सकते हैं, और ये कहाँ से लिया गया, पर्ल और सेल से। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग फीचर्स फ्रॉम मॉड्यूला थ्री। अब मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग किसी भी प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल में तोड़ना है, क्या कहलाता है, मॉड्यूल, और ये कहाँ से लिया गया है, मॉड्यूला थ्री से। इसके जो सिंटैक्स लिए गए हैं वो सी और ABC लैंग्वेज। हमने पहले ही आपको बताया था कि ये जो हमारे पाइथन के डेवलपर हैं ये काम कर रहे थे ABC लैंग्वेज से, वहाँ से ही इन्हें आइडिया मिला कि एक नई लैंग्वेज डेवलप करनी चाहिए। वेयर वी कैन यूज पाइथन, पाइथन का हम यूज कहाँ कहाँ होता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने में। डेस्कटॉप एप्लीकेशन मतलब जैसे आप एक कैलकुलेटर देखते हैं, कोई छोटा सा, जैसे एक छोटा सा कैलकुलेटर होता है आपके कंप्यूटर में, वो एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। वेब एप्लीकेशन क्या होता है, जो वेब ब्राउजर पर रन होता है वही कहलाता है आपका वेब एप्लीकेशन, यानी वेबसाइट। कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो वेब ब्राउजर पर रन हो वेब एप्लीकेशन कहलाता है। आप पाइथन में क्या बना सकते हैं, वेबसाइट भी बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, डाटाबेस एप्लीकेशन बना सकते हैं। कौन कौन से डाटा होते हैं आपके, जैसे SQL है, MySQL है, ठीक है, Oracle, ऐसा डेटाबेस कहलाते हैं। डेटाबेस एप्लीकेशन बना सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं आप, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, मशीन लर्निंग कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोग्रामिंग की जाती है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं हम अगर मशीन के अंदर एक ऐसी चिप हम लगाएं जिससे मशीन के अंदर खुद से सोचने समझने की क्षमता आ जाए, तो उस टेक्निक को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ऐसे हार्डवेयर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं वो कहलाते हैं IoT एप्लीकेशन। जो हमारा फ्यूचर है वो इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IoT एप्लीकेशन पे ही है। विच कंपनीज यूजेज पाइथन, अब आप देख लीजिए कि कौन कौन सी कंपनीज पाइथन का यूज करती है। फेसबुक करती है, इतनी बड़ी कंपनी आपके सामने। नेटफ्लिक्स, आप वेब सीरीज तो देखते ही होंगे, नेटफ्लिक्स। IBM जैसी कंपनी पाइथन का यूज करती है। नासा, ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो नासा जैसी संस्था जो स्पेस में इतने सारे प्रोग्राम की हुई है वो यूज करती है। याहू यूज करती है। रेड हैट एक कंपनी है जो लिनक्स बनाती है। इंस्टाग्राम आप यूज ही करते होंगे, इंस्टाग्राम भी पाइथन में बना है। अमेजन, ड्रॉपबॉक्स, नोकिया, गूगल, तो इतनी सारी कंपनियां, हाइक, देख सकते हैं आप इतनी सारी कंपनियां यूज करती है पाइथन लैंग्वेज। अगर हम गिटहब के बात करें तो जावा स्क्रिप्ट के बाद ये दूसरी सबसे ज़्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज है पाइथन। दुनिया में जावा स्क्रिप्ट के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज है गिटहब के अकॉर्डिंग, पाइथन लैंग्वेज है। तो पाइथन लैंग्वेज इतनी फेमस और पॉपुलर लैंग्वेज है। अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं इस पाइथन लैंग्वेज में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह, तो आप इजीली बेसिक कोर्स कर लीजिए, उसके बाद फिर स्पेशलाइजेशन अगर ले लेते हैं तो आपकी एक अच्छी खासी सैलरी पे जॉब लग सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।